कहाँ लेके जा रहा सुरेश भाई उसको? तो बहुत सारे दोस्तों की कमेंट ये होती है कि जगदीश भाई आपका जो है कि टोटल दूध कितना जाता है। देख को छोड़ क्या हो तुम, एक काम करो गोटिया रन दो इधर और छूट ले। अरे यहाँ बच्चा है तो फिलहाल जो है कि भाई अपना गोटिया जो है उसको तो अभी हमने बाहर लाके बांध दिया है, क्योंकि आपने कल के व्लॉग में देखा होगा कि भाई इनकी एकदम जो है कि जबरदस्त वाली फाइट हो गई थी। गोटिया जो है उसको आज शाम को हम वापस छोड़ने जाने वाले हैं। फिलहाल जो है कि ट्रैक्टर आधा खाली कर दिया है, आधा बाकी है। हेलो दोस्तों, कैसे हो गए हम सब? आई होप आप सब मौज में हो, एकदम मौज में हो। तो फिलहाल जो है कि अभी हमें जाना है ट्रैक्टर भरने के लिए गन्ने का, लेकिन अभी दोनों पुलिस में खुले थे क्योंकि आज दिन भर उनकी फाइट हुई है। कल का व्लॉग आपने देखा, जबरदस्त वाली। सुबह सुबह जो है कि हमारा मथुर जो है फुल फॉर्म में था, गोटिया ने जो है थोड़ा बहुत पीट दिया, उसको अभी पता चल गया है गोटिया अभी भी मुझे उठा के पटक सकता है, क्योंकि वो दिखने में ही कदकाठी से बड़ा है, लेकिन भाई गोटिया छोटा है, लेकिन भाई मथुर को मारता है। फिर भी अपना जो गोटिया है ना वो मजाक में लेता है, क्योंकि इसकी कट्टर दुश्मनी थी गड्ढा के साथ, गड्ढा को पीछे धकेल देता था। तो ये मथुर किस खेत की मूली है। अरे भाई ट्रैक्टर पूरा खाली कर दो, इसको पत्ती डाल दे फ्लावर की, देखते हैं आज शाम को अगर गन्ना काट के जल्दी आ गए तो फिर आज ही जाके छोड़ के आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो गाय है उनकी ब्रीडिंग हो गई है। चलो महेश भाई ने जो है कि भाई अपना गोटिया जो है उसको यहाँ पे डाल दी है पत्ती। इधर जो है हरी भाई ट्रैक्टर को कर रहा है रेडी, पता नहीं क्या कर रहा है हरी भाई। वो लाइट का नट जो है वो बाद में करेंगे, टाइम हो रहा है, फटाफट से लगा दो। 5:30 बजे तक हमें जो है कि ऑफिस आना है, मिल्किंग से पहले। इनकी फाइट अगर हो गई तो दिक्कत हो सकती है। ये वाली जो है कि बच्चा देने वाली थी, अभी तक जो है कि इसने बच्चा नहीं दिया है। आज रात में तो लगभग मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि रात में लगभग बच्चा दे देंगे 100%। चलो चलो अभी फटाफट से दोस्तों निकलते हैं। तो फाइनली जो है कि दोस्तों गन्ने के खेत में पहुंच गए हैं। 7-8 दिन पहले जो है कि इतना काट के लेके गए थे। कुदरत गया था उससे पहले, फिर बाद में जो है कि बारिश हो गया, फिर टाइम नहीं मिला, तो फिलहाल अभी आए हैं। अभी फटाफट से जो है कि गन्ना काट डालते हैं और फटाफट से भर के लेके जाएंगे। मुझे नहीं लगता है पूरा एक ट्रैक्टर में बैठेंगे, क्या लगता है सुरेश भाई? अभी सुरेश भाई ने जो है कि उधर काटना स्टार्ट कर दिया है, तो फिलहाल जो है कि भाई इतना काट दिया है। फिर भी बहुत धूप है आज भाई। भाई हरी भाई ने जो है कि इतना ट्रैक्टर जो है कि भर लिया है, वहां से यहाँ तक जो है कि काट दिया है। अभी इतने लाइन जो है कि काटनी है, आधा घंटा में काट के भर लेंगे। भाई हरी भाई ने अकेला भरा है भाई इतना ट्रैक्टर, और इससे पहले जब आए थे ना तो ये भाई जो है कि ट्रैक्टर के नीचे घुस के सो गया था, और आज हरी भाई देखो ट्रैक्टर कितना भर लिया, देखो देखो तुम थोड़ा काटता है तू। फिलहाल जो है कि भाई उतना ट्रैक्टर भर लिया है और यहाँ तक जो है कि गन्ना काट दिया है। अभी जो है कि ज्यादा गन्ना काटना है नहीं, इतना फटाफट से काट लेते हैं और निकलते हैं। अभी बजे है कम्प्लीट 5, तो फटाफट से काटते हैं, 5:30 बजे तक खत्म करके निकल जाएंगे यहाँ से। अभी जो है ना दोस्तों थक गया हूँ मैं, लेकिन उतना काटना तो पड़ेगा, नहीं काटा तो फिर कल वापिस आना पड़ेगा, और कल वापिस मुझे आना नहीं है, तो आज काट ही डालते हैं उतना। जाने दो फटाफट से हरी भाई, बहुत लेट हो गए। अभी जो है कि दोस्तों थोड़ा बहुत जो है कि मेरा काटना बाकी है गन्ना, उतना फटाफट से गन्ना काट देते हैं। बहुत लेट हो गया आज, लगभग यहीं पे 6 बज जाएंगे। मेरा टारगेट था कि 5:30 बजे खेत से बाहर निकल जाना है, लेकिन नहीं निकल पाएंगे। तो यहाँ पे जो है कि भाई चढ़ाना मुश्किल है थोड़ा सा। धीमा धीमा लेना। फाइनली जो है कि दोस्तों खेत हो गया है खाली, बहुत दिक्कत हुई लेकिन फाइनली काट दिया। मिल्किंग का टाइम जो है कि आज बहुत लेट होने वाला है। जो है कि दोस्तों अभी आ गए हैं घर पे, और आज भाई जबरदस्त वाले थक गए हैं भाई। पहले तो ऐसा लग रहा था कभी बैठेंगे भी नहीं, लेकिन बहुत मुश्किल से भाई बैठाया, पूरा काट लिया फिर भर लिया, लेट हो गए थोड़े से। फिलहाल जो है कि दोस्तों मिल्किंग वगैरह जो है कि सब हो गया है खत्म, आज इतना थक गए हैं भाई कि पूछे मत। फिलहाल जो है कि जो गाय अभी बच्चा देने वाली है वो यहाँ पे बैठी है, मुझे लगता है रात में या कल दोपहर तक जो है कि बच्चा दे देंगे। एक अंदाजा लगाते हैं भाई, परफेक्ट तो नहीं बोल सकते, 1-2 दिन इधर उधर हो जाता है। आज रात में या फिर कल दिन भर में बच्चा दे देंगे। फिलहाल जो है कि मथुर को जो है कि वो साइड बांध के रखा है, गोटिया जो है कि भाई रास्ते की ए साइड बांधा है और अकेला बांधा है, क्योंकि आपको भी पता है वहाँ पे जो है कि भाई उसकी और मथुर की फाइट होती है। अकेला यहाँ पे है, बैठ जा नीचे बैठ जा। ओके चलो दोस्तों, तो अभी जो है कि खाना पीना सब हो गया है, काम भी सब हो गया है खत्म, और अभी मिलते हैं सीधे सुबह। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो फाइनली जो है कि भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30, और अभी तक जो है कि भाई इसने बच्चा नहीं दिया है। कि रात को 2-4 बार आके मैंने देखा, लेकिन भाई ऐसा कुछ लग नहीं रहा था। मैंने बोला सुबह तक बच्चा दे देंगे, लेकिन अभी तक जो है कि भाई इसने बच्चा नहीं दिया है। तो मुझे लग रहा है कि भाई
शाम तक तो 100% जो है कि भाई अपनी जो गाय है वो बच्चा दे देंगी 100%। और काबिर जो है भाई इसका बहुत टाइम है अभी तक, मुझे ऐसा लग रहा है इसका तो टाइम है, कब तक बच्चा देंगी पता नहीं हमारी काबिर। अरे यहाँ बच्चा है अमर, हेलो ब्यूटी, क्यों नहीं पिलाया यार इसको, क्यों नहीं पिलाया तेरे को आज? सूरज भाई इधर मिल्किंग कर रहा है, महेश भाई तो इधर जो है कि पहले उसको पशु आहार रखता है फिर नीचे बैठ जाता है, जैसे यहाँ चल में दूध आ जाता है तुरंत सूरज भाई जो है मिल्किंग कर देता है, तो ये काम महेश भाई का होता है, पहले पशु आहार रखना फिर जो है कि नीचे बैठ जाता है, जैसे आंचल में दूध आ जाता है फिर जो है कि सुरेश भाई जो है मिल्किंग कर लेता है, जिस जिसका बच्चा है उसको जो है कि पहले नीचे नहीं बैठना पड़ता है, सिर्फ बच्चा छोड़ दो और तुरंत ही गाय के आंचल में दूध आ जाता है, लेकिन जिसका बच्चा नहीं है तो उनको जो है कि पहले पशु आहार रख के नीछे बैठना पड़ता है। तो अभी वो गोटिया जो है उसको आज छोड़ने जाना है, दूध दे के आओ फिर गोटिया जो है उसे छोड़ के आओ। नहीं मथुर को छोड़ के आएंगे, मथुर को छोड़ के आएंगे, दोस्तों इसने पहले भी मेरे को बोला था कि मथुर छोड़ के आएंगे, मथुर छोड़ के आएंगे, मथुर ने चार गाय की बिल्डिंग की है, तो अभी चार में से एक तो वापिस आई है, कौन सी? ब्लैक वाली। हाँ चार गाय की बिल्डिंग की थी उसमें से ब्लैक गाय वाली जो है कि फिर से हिट पे आ गई। बहुत सारे दोस्तों की कमेंट ये होती है कि जगदीश भाई आपका जो है कि टोटल दूध कितना जाता है, तो तीन गाय ने अभी ताजा बच्चा दिया है, बाकी सब बाखड़िया है, बाखड़िया बोले तो 5-6 महीने पहले जिन्होंने बच्चा दिया है उसको बोलते हैं बाखड़िया, तो इसकी वजह से फिलहाल दूध कम है। वन टाइम का पता नहीं कितना चलता है, सुरेश भाई को पता, वन टाइम का कितना चलता है? 50 लीटर वन टाइम का जो है कि 50-55 लीटर चलता है दोनों मिला के, भाई मेरे ख्याल से 110 लीटर के आजूबाजू दोनों टाइम का चलता है। अभी बाखड़िया है इसकी वजह से, जब बाखड़िया नहीं होते तब ज्यादा चलता है, लेकिन अभी इतना चलता है। और दूध का रेट जो है कि फिलहाल अभी कम हो गया है 30-35 रुपया। तो आज की डिटेल आपको मिल गई होगी दूध के बारे में। फिलहाल जो है कि ये साइड जो है कि सब छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी ये बच्चे आपको कमजोर लग रहे होंगे लेकिन हर साल बच्चे ऐसे होते हैं, बाद में जैसे ही धीमे धीमे गाय के अंदर चरने के लिए आ जाते हैं तो फिर वो जो है कि एकदम बढ़िया हो जाते हैं। अभी देखिए ये भी हो गया, ये भी हो गया, जैसे बड़े हो जाते हैं फिर जो है कि सब ओके हो जाते हैं। मैं अभी हमारे घर की बछड़िया बताऊंगा आपको, पहले वैसी थी सेम, देखो काबरी है, फिर ये भी घर की है, 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 बाकी ये सब घर के हैं, अभी सब हट्टे कट्टे हो गए, देखिए सब घर के ही है, ये भी सामने वाली घर की है, पूरे के पूरे जो है कि घर के ही है, ये हमारी जो काबरी सामने है ये भी घर की है, एक एक बच्चा एक आंचल दूध पीता है। बहुत सारे दोस्तों की कमेंट होते हैं भाई दूध ज़्यादा पिलाओ, दूध ज़्यादा पिलाओ, इतनी सारी गाय है तो इनके लिए भाई गन्ना पशु आहार ये सब के लिए भाई पैसा कहाँ से आएगा, लेकिन बहुत सारे दोस्त हैं ना बार बार ये कमेंट करते हैं कि आप जो है कि भाई बच्चों को दूध कम पिलाते हो, अगर सब बच्चों को पिला देंगे तो गाय को क्या खिलाएंगे, फ्री कुछ मिलता नहीं है, पशु आहार है फिर गन्ना है, तो बहुत सारी चीज होती है, तो उनका खर्चा भी निकालना बहुत मुश्किल है। जो जो भाई पशुपालन करता है वो कभी ऐसे कमेंट करते ही नहीं, क्योंकि उनको पता ही है, वो बोलते हैं भाई कि हमारे पास 2 है फिर भी इतना खर्चा आता है, तो भाई आपके पास तो 70-80 गाय है कितना खर्चा आता होगा, तो वो हम ही जानते हैं, तो हमारे हिसाब से जितना भी काम है एकदम परफेक्ट करते हैं, लेकिन कभी कभी जो है कि कमेंट आ जाती है, वैसे बहुत सारे कमेंट जो है उसको हम इग्नोर करते हैं, लेकिन जो अच्छी कमेंट होती है और हमें लगता है कि नहीं भाई इनका रिप्लाई देना चाहिए, उनका रिप्लाई हम जरूर से देते हैं, बाकी जो भाई पशुपालन करते हैं और वो कमेंट करते हैं तो तुरंत ही हम समझ जाते हैं कि नहीं भाई ये भाई पशुपालन ही करता है, तब जाके इसने ऐसी कमेंट की। बाकी जो है कि सब क्या बोलते हैं आप जो है कि सिर्फ दूध निकाल के सेल कर देते हो यार, बच्चों को दूध नहीं पिलाते हो, अगर सब बच्चों को दूध पिला देंगे तो गाय को क्या खिलाएंगे। आज गन्ने का भाव 1 टन का 2500 से 3000 रुपया चालू है, अभी टोटल गाय को मैं आपको बता दूं एक दिन का 500 किलो गन्ना लगता है, 2 दिन का 3000 का गन्ना लग गया, तो भाई खर्चा भी बहुत है और इसमें भी कोई गाय बीमार पड़ती है सब चालू रहता है कुछ ना कुछ, ट्रैक्टर का मेंटेनेंस है वगैरह वगैरह वगैरह, तो भाई बहुत सारा खर्चा इसमें आता है, तो सब सोच समझ कर करना पड़ता है, हमें पैसा ही कमाना है ना, तो ये जो गिर गाय है उसको निकाल देंगे और जर्सी डाल देंगे, जर्सी जो है कि भाई 1 टाइम का 10-15 लीटर दूध देती है, और यही गाय सिर्फ 1 टाइम का 5 लीटर दूध देती है, फिर भी जो है कि हमारे पास गिर गाय है, क्योंकि भाई ये गाय का जो है कि हमें शौक है, बचपन से हम संभालते हैं, तो हमें अगर पैसा ही कमाना है तो हम तो
आठ दस जर्सी लेके आ जाएंगे, आठ दस जर्सी लाएंगे ना भाई तो पूरी गाय से ज्यादा दूध देंगे, क्योंकि वो गाय के नीचे 10 से 15 लीटर दूध होता है भाई जर्सी गाय के नीचे। और इन गाय के नीचे मैं आपको दूध बता दूं ज्यादातर तो 6-7 लीटर या 8 लीटर से, 8 लीटर से ज्यादा नहीं होता दोनों टाइम का, और जर्सी के नीचे 15-20 लीटर दूध दोनों टाइम का होता है। तो आप सोचो कितना दूध ज्यादा है। हमें जो है कि भाई अपनी देसी गायों से लगाव है, तो इसकी वजह से ये गाय रखते हैं और दिल से ये काम करते हैं भाई, और बहुत अच्छा लगता है। बाकी जर्सी है हमारे पास 2-4, वो देखो सामने, वो एक वहाँ पे है एक वहाँ पे है। अभी मैं उनको भी अगर जर्सी बोलूंगा तो इसमें ये भी कमेंट आएगी भाई वो HF है, HF नहीं हो, वो क्रॉस है भाई, मेरे सामने क्रॉस है, क्योंकि उसकी माँ जो थी वो HF थी, वो मैं यहाँ पे लेके आ गया था, तो वो क्रॉस है और इसको बोलते हैं जर्सी, प्योर HF नहीं है वो, मैं आपको बता दूं। ये सुरेश भाई जिस गाय की मिल्किंग कर रहा है, ये वाली जो गाय की बछड़ी है, ये अभी हमने 2-4 दिन पहले जो है कि भाई सेल कर दी है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, भेड़ वाले भाई को दी है, अभी तक जो है कि उनके पास से पैसा ही नहीं लिया है। वो बोले भाई मेरे पास अभी पैसा नहीं, मैंने बोला एक काम करो भाई आप जो है कि 1-1.5 महीने बाद पैसा देना, लेके जाओ। तो अभी जो है कि मैंने पैसा भी नहीं लिया है भाई, और पैसा भी बहुत कम दिया है भाई, ना के बराबर है। नहीं तो अभी गिर गाय जो होती है भाई दूध कम देती है, लेकिन इसकी डिमांड भारी डिमांड है भाई, हाई डिमांड है। वो जो है कि भेड़ पालते हैं और हम जो है कि गाय पालते हैं, तो मैंने बोला ठीक है भाई लेके जाओ, क्योंकि हमें जब भी चाहिए तो भेड़ जो है कि वो ऐसे ही हमें देते है। तो हमने बोला हम गाय की बछड़ी भी हम आपको ऐसे ही देंगे सस्ते में, भेड़ भी हम खरीद के लाते हैं तो सस्ते में लाते हैं, पैसा तो देके ही लाते हैं। क्या हो रहा है शोर, चलो आ जाओ इधर भागो, किधर भागना है भागो, गाय के नीचे मत जाना नहीं तो टेढ़ा कर डालेंगे फिर से। इसका जो एक पैर थोड़ा टेढ़ा हो गया, डॉक्टर साहब को मैंने बताया, बोले कोई बात नहीं थोड़ा नॉर्मल है, बोले ठीक हो जाएगा। बोले सुरेश भाई जो जो को और लालू को आज दोपहर से नहला देंगे अपन, वो मेडिकल में वो शैम्पू मिलती है ना, वो ला के डॉक्टर की शैम्पू रहती है वो लाने की, उससे नहलाने की। आते टाइम लेके आ। फिलहाल जो है कि गोटिया को रात को यहीं पे बांधा था, और अभी जो है कि इसको छोड़ के पोपट मम्मा के वहाँ पे जाके छोड़ देना है। कहाँ लेके जा रहे सुरेश भाई उसको? बटे के नजदीक। अभी क्या कौन सी गई सुपड़ी चक्कूड़ी? अबे ये बुद्धा है यार, बांध दे उसको, अभी तू उसको लेके आ, गोटिया को लेके आ, तुरंत इसकी ब्रीडिंग हो जाएगी। किधर खींच के लेके जा रहा सुरेश भाई उसको, बांध दे उसको, गोटिया को लेके जा। अभी देखिए सुरेश भाई आ गया है, अभी जो है कि भाई तेरे को छोड़ने के लिए जाना है, रुक जा। फिलहाल जो है कि उसको छोड़ने के लिए जाना था लेकिन अभी तक गए नहीं। हरी भाई जो है कि ट्रैक्टर लेके आ गया है, अभी अभी गाय को एक राउंड लगा के आएंगे, फिर जो है कि भाई शाम को आज छोड़ने के लिए जाएंगे। और अभी तक जो है कि भाई हमारी इस वाली गाय ने बच्चा नहीं दिया, कब तक बच्चा देंगी हैं? हाँ दे भाई, मसूर जो है कि भाई उसको छोड़ दिया, ये देखिए यहाँ पे है गाय जो है कि भाई अपनी कहाँ गई, सुपड़ी हिट पे थी, उसकी भी ब्रीडिंग नहीं हुई, चक्कू भी हिट पे थी लेकिन चक्कू की ब्रीडिंग नहीं हुई, और इसकी वजह से हमने गोटिया को आज रखा कि चक्कू हिट पे है तो ब्रीडिंग हो जाए, लेकिन चक्कू जो है कि वो हिट पे थी ही नहीं, तो इसकी वजह से जो है कि आज शाम को जाके भाई इसको छोड़ के आएंगे, क्योंकि दोनों की जो है कि भाई जबरदस्त वाली फाइट हो गई थी कल के ब्लॉग में आपने देखा। फाइट का जो है कि पूरा ब्लॉग नहीं बता सकते हम, क्योंकि जैसे ही हम पूरा ब्लॉग डालते हैं फाइट का तो फिर जो है कि भाई उसमें क्या होता है कि प्ले नहीं होता है, तो ये प्रॉब्लम होता है, तो इसकी वजह से फाइट का सीन जो है कि बहुत सारा हमने कट कर दिया था भाई, की फाइट एकदम जबरदस्त वाली हो गई थी इनकी, एकदम अलग लेवल। सुरेश भाई दोस्तों देखो कितने बजे, अभी कितने बजे सुरेश भाई? 1:17। तो भाई गाय कब निकालनी है? 20 मिनट में निकाल, जल्दी निकालो। 1:17 हो गए हैं, अभी तक गाय नहीं निकाला है गाय। अबे गोटिया को चारा वगैरह करो कुछ। और दोस्तों आज का जो मौसम है एकदम अलग लेवल का, ये देखिए आज का जो मौसम है एकदम जबरदस्त वाला है। तो फिलहाल जो है कि महेश भाई और सुरेश भाई दोनों गाय लेके गए हैं, पशुहार जो है आ गया है, हमारे राम जी भाई लेके आ गए हैं पशुहार। आज जो है गहरी बहने गया डायरेक्ट, गाड़ी यहाँ पे आ गई, कभी कभी आता है। अरे ये देखो पूरा, ये देखो इसको, अरे ये क्या कर दिया इसको जो है भाई, नहीं नहीं तू धीमा डालना, नीचे डाल रहा है तू। हाँ दो ड्रम भरना है हरी भाई, तीन दो दो ही भरना है ना हरी भाई, फंसा दी गाड़ी। तो फाइनली जो है कि भाई गोटिया गया वाड़ा के अंदर क्योंकि गोटिया को छोड़ने जाना था लेकिन गए नहीं, मैंने बोला आज के दिन रहने दो, और आज दोनों अंदर हैं, आज झगड़ा नहीं कर रहे, कल तो गाय हिट पे थी इसकी वजह से झगड़ा कर रहे थे। फिलहाल जो है कि सामने है गोटिया और इधर सामने है मथुर, पगर है वो बोल रही है कि भाई एक काम करो चलो मिल्किंग कब करना है, पगर जो है कि मिल्किंग का वेट कर रही है कब करेंगे मिल्किंग। गाय मुझे और महेश भाई को दोनों को ही बांधनी है, सुरेश भाई और हरी भाई दोनों गए हैं गन्ने की पत्ती भरने के लिए गए हैं, तो बोले गाय जो है कि आप बांधो, मैंने बोला ठीक है। इधर आ, और इधर आ, इधर आ जा, इधर
आजा आजा इधर को आजा इधर आने दो। चलो बगैर आजा बगैर भाई। अपनी ये वाली गाय ने जो है कि भाई अभी तक बच्चा नहीं दिया है। मुझे लग रहा है रात में तो आज दे ही देंगे ऐसा मुझे लग रहा है। लगभग जो गाय है बांध दिया है, अभी बहुत सारी बांधना बाकी है। हे काबरी मैं इस पे गोटिया कहाँ बांधना है? पेड़ के सामने रास्ते के वो बाजू। पारो मुझे मारती है। मने मार पारो हम दोनों को मारती है। ठीक है चल मैं पकड़ते ले। तो फिलहाल जो है कि भाई पूरी गाय जो है उनको बांध दिया है। अरे भाई क्या भर के लाएगा ट्रैक्टर में? गन्ने की पत्ती। तो ये जो है कि भाई भर के लाए हैं गन्ने की पत्ती। थोड़ी लात मत मारना। और आज जो है कि गोटिया छोड़ने के लिए नहीं गए, गोटिया यहीं पे है। छोड़ने जाना था लेकिन टाइम ही नहीं मिला। उसमें भी एक गाय हिट पे थी और आज जो है कि उसने वाड़ा के अंदर भी झगड़ा नहीं किया, तो हमने भी उतना जरूरी नहीं समझा कि भाई नहीं आज ही छोड़ने जाना है, कल परसों छोड़ देंगे, ऐसा प्लान है हमारा। फिलहाल जो है कि यहाँ पे जो है कि पर्दा लगाना था, तो ये जो है ये काम हो गया। ओके ये पूरा काम जो है कि 100% हो गया है। ओके इधर भी जो है कि लगा दिया है, अभी सिर्फ इसमें एक लाइट लगाना है। चुपचाप बैठने का जो जो यही उसका नाम लेते, काटता है। तू ही शरारती। भाग दूर भाग भाग।